जो इसकी कमांड है वो है लाइन कंसोल, ओके। उसके बाद जीरो लिखा है, ठीक है, लाइन कंसोल जीरो। जीरो मीन्स जो भी पोर्ट्स होती हैं उनकी नंबरिंग होती है, तो कंसोल की एक ही पोर्ट होती है और वो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, इसलिए लाइन कंसोल जीरो। मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ। अब आप देखो हम फोर्थ मोड में आ गए हैं। अब इसको हम कॉन्फ़िगर कर लें, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले वो कॉन्फ़िग मोड में था, फिर हमारे पास कॉन्फ़िग लाइन में आ गया, ठीक है ना। अब इसके मोड के अंदर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैं पासवर्ड लगाता हूँ, सिंपल पासवर्ड की कमांड दूंगा, और प्लस जो भी मैं पासवर्ड लगाना चाहता हूँ, सपोज मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि सिस्को लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसका पासवर्ड है, ठीक है। इसके बाद इंटर करता हूँ। एक चीज़ और, तीन तीन टोटल स्टेप हैं और इसके एंड में मुझे लॉग इन लिखना पड़ेगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू दीज थ्री कमांड्स टू लाइक आपको पहले लाइन कंसोल दिस कमांड, उसके बाद इसके अंदर में पासवर्ड, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है, और उसके बाद थर्ड लॉग इन। जब ये तीनों चीज़ें लिखोगे फिर ही उसके ऊपर कन्फिगर होगा, ठीक है। और इसको मैं फिर इसको आपको करके दिखाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, ठीक है, फिर मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं पहले सेव करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने दोबारा से अब इसको कनेक्ट करना है कंसोल के थ्रू। तो मैं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्टअप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एग्जिट करके अब मैं इसको निकला हूँ, तो वो सबसे पहले मुझसे, ठीक है, कंसोल के साथ वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ये वो है जो फर्स्ट टाइम मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, कंसोल को कनेक्ट करते हैं जब, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने पासवर्ड जो रखा था वो सिस्को है, मैं इसके ऊपर सिस्को लिखता हूँ, फिर मैं इंटर होऊंगा। अब मैं आया हूँ यूजर मोड के ऊपर, ठीक है, यूजर मोड के ऊपर आया हूँ, फिर यूजर मोड के ऊपर मैं एनेबल लिखता हूँ नेक्स्ट प्रिविलेज मोड में जाने के लिए। फिर वो मुझसे पासवर्ड पूछता है जो कि मैंने 1 2 3 4 रखा हुआ था, वो इंटर करता हूँ। अब मैं नॉर्मली इस मोड के अंदर आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग कंसोल पोर्ट को जो अगर कोई एक्सेस करना चाह रहा है उसके ऊपर भी हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। फिर जी हम लोग क्या कर सकते हैं जी, नेक्स्ट जो है अभी हम लोग इसकी बेसिक मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हम लोगों ने कर ली है, और बाकी हम लोग करेंगे कि अभी हमें इसको कंसोल से उतारेंगे, ठीक है, और इसको केबल के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सिर्फ अभी मैं केबल कनेक्ट करके थ्रू कंसोल केबल ही इसकी पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैं फिर कंसोल उतार लेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर हम लोग नॉर्मली रिमोटली एक्सेस कर सकेंगे स्विच के अंदर। अच्छा वो कैसे करते हैं, तो पहले तो ये सिनेरियो है, ठीक है, हमें इसके अंदर स्विच को आईपी देना पड़ेगा और इस तरह पीसी को भी आईपी देना पड़ेगा, ठीक है, और ये मैंने बेसिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह हम लोग यहाँ पे आएंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो मैं पीसी को इसके साथ केबल कनेक्ट करूँगा, ठीक है, केबल जो होगी वो स्ट्रेट थ्रू केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी मुझे इसके साथ, और यहाँ पे करूँ कनेक्ट किया और इसकी फास्ट इथरनेट जीरो के साथ कनेक्ट कर दिया, और प्लस ये मैं आप इथरनेट की केबल यूज़ कर रहा हूँ और इसके कंप्यूटर के भी यूज़ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं अपने पीसी को आईपी दूंगा, ठीक है, मैं इसको आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके बाद मैं आईपी देता हूँ 10.0.0.2, ये मैंने डिफाइन किया, और /24 मीन्स इस 256 IPv है, ठीक है। तो मैं इसको इस रेंज के दिया, चलो हम लोगों ने इसको आईपी असाइन कर दिया, ठीक है बस। और इसी तरह फिर मुझे राउटर को स्विच को आईपी देना है, तो वो बेसिकली मुझे उसी तरह ही दोबारा से मैं टर्मिनल के थ्रू ही एक्सेस करूंगा इसको, और ठीक है टर्मिनल के थ्रू ही इसको एक्सेस किया है, और मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ थ्रू अपने पीसी ही कनेक्टेड है, पीसी से थ्रू कंसोल से ही कनेक्टेड हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अच्छा इसके लिए क्या होता है कि हमें इसके अंदर वर्चुअल वीलैन होती है बाई डिफॉल्ट, जिसको हमने कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसको आईपी साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस वीलैन, ये कमांड है VLAN 1, इसी के अंदर इंटर होऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं आईपी साइन करूँगा स्विच को, आईपी एड्रेस
देन फिर मुझे आईपी देना पड़ेगा 10.0.0.2। हम लोगों ने पीसी को दे दिया, इसको सपोज मैं 3 भी दे सकता हूँ लेकिन मैं इसको 10 दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, सबनेट मास्क भी देना पड़ेगा, ठीक है, .0, ठीक है, ओके। एंड देन वन मोर थिंग मुझे ये करनी पड़ेगी, इसको इस इंटरफेस को अप करना पड़ेगा। जब इस इंटरफेस को अप करते हैं उसकी कमांड होती है नो शट डाउन। अब ये इंटरफेस अप हो गया, इसका वीलैन का वर्चुअल इंटरफेस, और इसको आईपी असाइन हो चुका हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें हमें इसको रिमोटली एक्सेस करना है, तो इसके लिए भी हमें स्विच के ऊपर फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि हम लोग टेलनेट के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोगों को टेलनेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल ग्लोबल मोड के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है, एग्जिट करके, और यहाँ पे मुझे जो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मुझे टेलनेट तो लाइन, इसकी कमांड लाइन VTY, ये कमांड है, और फिर मैं उसके अंदर बताऊँगा 0 to only 2 कर लेता हूँ, ठीक है। ये 0 to 2 मींस है कि 0 से लेके 2 तक, बेसिकली 0, 1 और 2, तीन पोर्ट्स मैं बेसिकली ओपन कर रहा हूँ जो कि वर्चुअली लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। ये फिजिकल पोर्ट्स नहीं है, ये आप रिमोटली एक्सेस, यानी कि एक टाइम में तीन लोग रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, पांच भी। तो ये इसके ऊपर जो मैक्सिमम है, एक टाइम के अंदर 3 सेशन बनेंगे, ठीक है, एक टाइम के अंदर 3 सेशन बनेंगे। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे फिर पासवर्ड लगाना पड़ेगा, मैं पासवर्ड लगाता हूँ, ठीक है। बेटर ये है कि पासवर्ड जो भी आप लगाना चाह रहे हो तो उसको सीक्रेट मोड में लगा लो, लेकिन चले मैं इसके ऊपर सिंपल पासवर्ड लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसका पासवर्ड जो रखेंगे हम लोग ABC रख लेता हूँ, ठीक है, इसका ABC पासवर्ड रख लेता हूँ जो टेलनेट का पासवर्ड है, ठीक है। और इसको एंटर करता हूँ, और फिर इसके ऊपर मुझे एक दफ़ा लॉगिन लिखना पड़ेगा, फिर ही मेरी कमांड कंप्लीट होगी, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। तो अपने हमने क्या किया, ये हम लोग टेलनेट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टेलनेट किस लिए यूज़ करते हैं, टेलनेट आप रिमोटली एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ओके। तो मैंने इसको लाइन VTY 02 कर दिया, ये है। उसके बाद आपने पासवर्ड दे दिया, इसका ABC है, और उसके बाद लॉगिन 3 लाइंस हैं। इसके बाद आपने इसको एंटर किया और एग्जिट करता हूँ, ठीक है। ये हम लोगों ने टेलनेट इसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको एग्जिट करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, एंटर करता हूँ, ये इसने सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको यहाँ से इसकी केबल जो है, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे पहले कंसोल केबल, वो ख़त्म करने लगा हूँ, उसको उतारने लगा हूँ, ठीक है। जब मैं कंसोल केबल ख़त्म करूँगा तो ये मैंने कंसोल केबल इसकी ख़त्म कर दी, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया कंसोल। अब ये नॉर्मली स्विच आपकी ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड है हम लोग नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसके लैपटॉप के ऊपर जाता हूँ तो आप देखोगे कि वो मुझे दिखा रहा है कि अब ये जो मैंने पहले टर्मिनल ऑन किया हुआ था, देखो ये वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा दोबारा, अब मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। पहले मैं इस टर्मिनल के थ्रू कनेक्टेड था थ्रू कंसोल केबल, अब लेकिन क्योंकि मैं इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, इस टाइम मैं आप देख सकते हो PC के ऊपर हूँ, लैपटॉप के ऊपर, ठीक है, रन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा टेलनेट, ये मैं अब रिमोटली एक्सेस करने लगा हूँ, ठीक है। टेलनेट और टेलनेट किसको करना है, मैंने PC के साथ स्विच को एक्सेस करना है थ्रू रिमोटली, तो टेलनेट लिखूंगा और उसके बाद मैं फिर मैं स्विच का IP दूंगा जो कि 10.0.0.10 है, ठीक है। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, सी वो हमारे पास ओपनली, और साथ ही वो मुझे बैनर भी दे रहा है जो हमने लगाया था, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ओनली, ठीक है। अच्छा, वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ये अब टेलनेट का पासवर्ड है, ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा था ABC, ABC लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, मेरे पास आ गया, ठीक है, यूज़र मोड के ऊपर आ गए हम लोग। अब जो जब यूज़र मोड के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, फिर वही है कि हम अनेबल लिखते हैं, ठीक है, और इस तरह मैंने रिमोटली इसको अब एक्सेस कर लिया, ठीक है।
ये फिर मुझे प्रिविलेज मोड में जाने के लिए जो हम लोगों ने पहले प्रिविलेज मोड के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ था 1 2 3 4 वो यूज़ करेंगे तो देन हम लोग प्रिविलेज मोड के अंदर इंटर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपने पीसी को, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको थ्रू कंसोल कनेक्ट करना पड़ता है और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको कंसोल ख़त्म कर देनी पड़ती है, फिर आप थ्रू टेलनेट इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप रिमोटली कन्फिगर करते हैं, ठीक है, थ्रू टेलनेट या एक्सेस करने के लिए स्विच को, ठीक है, तो जब हम टेलनेट कन्फिगर करते हैं तो टेलनेट के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि स्विच आपके पीसी से लेके स्विच तक जो कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो सारी की सारी प्लेन टेक्स्ट में होती है, टेलनेट के अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर होती है। इसका मतलब कि कोई भी बंदा या कोई हैकर जो है वो अगर इसको एक्सेस करता है, ठीक है, तो क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हो रही है, तो वो उसके ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी रीड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इसको सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। हम सिक्योर कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, कि हमें सिक्योर शेल, यानी कि सिक्योर शेल इसके ऊपर कन्फिगर करना पड़ता है, ताकि हम फिर रिमोटली इसके ऊपर जब कनेक्ट करें तो उसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही हो, सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही हो, ताकि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो वो सारी की सारी इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो। अच्छा, वो कैसे हम करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कन्फिगर करते हैं। तो इसका सेम वे है, इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।